सो अगर आपने भी अभी तक एनिमेज नहीं देखा है और अगर आप एनिमेज देखना स्टार्ट करना चाहते हो तो ये वीडियो बनी है सिर्फ आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे कमाल के स्टार्टर एनिमेज जो कि आपके एनिमे जर्नी को बहुत ज़्यादा शानदार बना देंगे। सो एनिमे देखना स्टार्ट करने के लिए आपको सही एनिमे चुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने शुरू में ऐसा एनिमे देखना स्टार्ट कर दिया जो कि बहुत बड़े हों या आपके पसंद के जॉनरा के ना हो, तो हो सकता है आप एनिमे से गिव अप कर दें। जैसे नारुतो, वन पीस, ब्लीच या ड्रैगन बॉल, ये सारे ना लेजेंडरी एनिमेज हैं, एनिमे फैंस के बीच में बहुत ज़्यादा फेमस और हाइप्ड हैं, लेकिन ये एनिमेज बहुत ज़्यादा लंबे हैं। जैसे वन पीस की बात करें तो ये 1000 से भी ज़्यादा एपिसोड हैं एंड नारुतो के 720 से भी ज़्यादा एपिसोड्स हैं। तो आपको ये बात ध्यान में रखकर एनिमे देखना स्टार्ट करना चाहिए कि जो आपके स्टार्टर एनिमेज हों वो शॉर्ट हों और आपके पसंद के जॉनर के हों। सो इसी नोट पे गाइस मैं लाया हूँ 10 ऐसे कमाल के स्टार्टर एनिमेज जो आपके एनिमे जर्नी को बहुत ज़्यादा ऑसम बना देंगे। तो अपने कुर्सी की पेटी बांध लो और तैयार हो जाओ एनिमे की दुनिया में डुबकी लगाने को। माय लिस्ट के सबसे टॉप पर जो एनिमे है ना वो मैक्सिमम एनिमे फैंस का पहला एनिमे है, क्योंकि ये एनिमे बहुत ज्यादा फेमस है और वन ऑफ द बेस्ट स्टार्टर एनिमे है। 9.1 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2006 में आई, ओनली 47 एपिसोड के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल डेथ नोट। इस सीरीज का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम रहता है लाइट यागामी, जिसे एक दिन डेथ नोट नाम की एक ऐसी बुक मिलती है जिस पर वह जिसका भी नाम लिख दे उसकी डेथ हो जाएगी। इस एनिमे सीरीज में जिस लेवल का थ्रिलर तुम्हें फील होगा ना शायद ही कोई दूसरा एनिमे तुम्हें दे पाए। साथ ही साथ हॉरर, ड्रामा, क्राइम, मिस्ट्री, सस्पेंस ये जॉनर में भी ये सीरीज एक्सप्लोर करती है। अगर तुमने अभी तक नहीं देखा है नोट को तो मेरी तरफ से ये ऑसम सा सजेशन लो और जाओ अभी जाके देखो डेथ नोट। बाद में मुझे जरूर कमेंट में बताना कि तुम्हें डेथ नोट कैसा लगा, देख के मजा आया कि नहीं, क्योंकि ये बेस्ट स्टार्टर एनिमेज है। ऐसा सिर्फ मैं नहीं कर रहा हूँ, माइंड में लिस्ट पर भी लाखों लोगों ने इसे वोट देकर टॉप पे रखा है। 8.7 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2015 में आई, दो सीजन टोटल 24 एपिसोड के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल वन पंच मैन। स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट साइतामा एके वन पंच मैन, जो कि पूरे दुनिया का सबसे पावरफुल सुपर हीरो रहता है, बड़े से बड़े एनिमी को एक पंच में हरा देता है, लेकिन कोई भी उसके टक्कर का ओपोनेंट ना मिलने के कारण वो थोड़ा बोर हो जाता है। इस सीरीज में ढेर सारे सुपर हीरो और सुपर विलन्स को दिखाया गया है और इसमें कमाल का एडवेंचर भी है, लेकिन इस एनिमी का सबसे बेस्ट पार्ट इसकी कॉमेडी है। बाय द वे इस का इंग्लिश डब भी बहुत अच्छा है, लेकिन नेक्स्ट वीक तक ये शो हिंदी में डब होके आ रहा है, सो तुम इस शो को हिंदी में भी एंजॉय कर सकते हो। IMDb रेटिंग के साथ 2022 में एकदम फ्रेश लॉन्च के साथ एक सीजन नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल स्पाई एक्स फैमिली। स्टोरी फॉलो करती है ट्वेलाइट नाम के एक स्पाई एजेंट को जो कि एक मिशन पे रहता है और ट्वेलाइट उस मिशन पे एक फैमिली को फॉर्म करता है जिसमें तीन लोग रहते हैं। नंबर वन खुद ट्वेलाइट यानी एजेंट, एंड सेकेंड योर जो कि उसकी वाइफ रहती है और एक असेसिन भी रहती है, एंड नंबर थ्री आन्या जो कि उसकी बेटी रहती है और वो सबका दिमाग पढ़ सकती है, बेसिकली एक साइको रहती है। इस स्टोरी का प्लॉट बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है, साथ ही साथ स्टोरी में स्पाई, थ्रिलर, एक्शन और कॉमेडी का बहुत ही सॉलिड मिश्रण है। इसमें जो आन्या नाम की एक छोटी सी बच्ची का कैरेक्टर है ना उसकी वॉइस और उसकी हरकतों से तुम्हें प्यार हो जाएगा, लिटरली बहुत ही क्यूट बनाया यार उसको। 8.4 IMDb रेटिंग के साथ एक सीजन टोटल 23 एपिसोड के साथ 2018 में आई रन विद द वाइंड। सिर्फ 23 एपिसोड होने के कारण यह सीरीज बहुत ही छोटी है, बट जो इम्पैक्ट यह तुम पे डालेगी ना वो बहुत बड़ा होने वाला है। यह एक स्पोर्ट्स एनिमे है। इस स्टोरी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसका नाम है काकेरू कुरहारा, उसे एक ऐसी टीम मिलती है जो कि फिजिकली उतनी अच्छी नहीं रहती है। बेसिकली ये एनिमे मैराथन टाइप की एक लॉन्ग रेस के बारे में है, और अगर मैंने इससे ज़्यादा और कुछ भी बताया तो ये शो तुम्हारे लिए स्पॉइलर हो जाएगा, तो यू कैन कंसीडर दिस एज योर फर्स्ट एनिमे। ये कहने का मतलब ये है कि अगर तुम्हें थोड़ा सा भी स्पोर्ट्स से प्यार है तो तुम्हें ये सीरीज पक्का पसंद आने वाली है। 8.7 IMDb रेटिंग के साथ 2019 में आई, दो सीजन टोटल 40 एपिसोड के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल डीमॉन स्लेयर। स्टोरी शुरू होती है एक फैमिली के साथ जिसके ऊपर डीमंस का अटैक हो जाता है और डीमंस सबको मार देते हैं, लिटरली सब के सब, लेकिन उस फैमिली में दो लोग बच जाते हैं, नंबर एक तांजीरो जो कि इस स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट है, एंड नंबर टू उसकी बहन नेजुको। लेकिन अब प्रॉब्लम यह है ना कि नेजुको धीरे धीरे एक डीमन में बदल रही है, तो तांजीरो उसके क्योर के लिए और अपने फैमिली को अवेंज करने के लिए एक डीमन स्लेयर बन जाता है।
इस एनिमे में बहुत ही कमाल का एनिमेशन, आउटस्टैंडिंग एक्शन और सॉलिड एडवेंचर को दिखाया गया है। साथ-साथ यह सीरीज तुम्हें एंड तक भावुक जरूर कर देगी, तो गलती से भी इस शो को मिस मत करना। 7.5 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2012 में आई, एक सीजन टोटल 26 एपिसोड के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन। इसकी स्टोरी बेस्ड है एक ऐसे आरपीजी गेम पर जहां प्लेयर सच में गेम के अंदर चले जाते हैं और अगर गेम में सर्वाइव नहीं कर पाते हैं तो रियल में भी मर जाएंगे। इससे बचने का सिर्फ एक तरीका है कि प्लेयर सारे लेवल्स को कंप्लीट करें। एनिमेशन शो एक्शन, थ्रिलर, फैंटेसी, रोमांस, साइंस फिक्शन के साथ साथ एक सॉलिड एडवेंचर को एक्सप्लोर करता है। वेल, ये एनिमे 10 साल पुराना है, बट बिलीव मी इसका एनिमेशन बहुत ही प्यारा है। 8.5 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2016 में एक सीजन टोटल 15 एपिसोड के साथ अमेज़न प्राइम वीडियो पर अवेलेबल, इरेज्ड, फिर लोग इसे एक और नाम से जानते हैं जिसे कहते हैं द टाउन विदाउट मी। हमारी स्टोरी का मेन प्रोटैगनिस्ट यानी साटोरो टाइम में 18 साल पीछे चला जाता है अपनी माँ को एक डेथ से बचाने के लिए। इस स्टोरी का प्लॉट बहुत ही ऑसम है, साथ ही साथ ये स्टोरी टेलिंग भी बहुत ही अच्छे तरीके से किया है। इस शो में ड्रामा, फैंटेसी, मिस्ट्री, साइंस फिक्शन और थ्रिल को एक्सप्लोर करता है। मेरे तरफ से 100% रिकमेंडेड है। इसी के साथ गाइज, मैंने आपको 7 कमाल के स्टार्टर एनिमेस के बारे में बता दिया, तो आप इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। हम बढ़ते हैं अपने आखिरी 3 लास्ट एनिमे की ओर। इमेजिन करो एक ऐसा वर्ल्ड जहां सबके पास कोई ना कोई सुपर पावर हो लेकिन तुम्हारे पास ना हो। तुम्हारे अलावा तुम्हारे सारे फ्रेंड्स फैमिली के पास कमाल की सुपर पावर्स हो तो तुम्हें कैसा फील होगा? कुछ ऐसा ही फील होता है मिडोरिया को भी। 8.4 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2016 में टोटल 6 सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल, माय हीरो एकेडमिया। तो स्टोरी का जो मेन प्रोटैगनिस्ट है उसके पास कोई भी सुपर पावर्स नहीं होती हैं और वो एक ऐसे स्कूल में जाता है जहां सभी सुपर हीरोज हैं, टीचर से ले गए स्टूडेंट तक। एक्शन इस शो की जान है, एडवेंचर, फैंटेसी, साइंस फिक्शन और अच्छे एनिमेशन का सॉलिड मिक्सचर है ये एनिमे। दैट्स व्हाई अगर तुमने इसे अभी तक नहीं देखा है ना तो तुमने कुछ भी नहीं देखा। 8.1 आईएमडीबी रेटिंग के साथ 2021 में टोटल 24 एपिसोड के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल, टोक्यो रेवेंजर्स। इस कहानी का मेन प्रोटैगनिस्ट है तागेमिची और वो अपनी करंट लाइफ से कुछ खास खुश नहीं होता है लेकिन उसके साथ अचानक से कुछ ऐसा हो जाता है कि वो अपने अतीत में 12 साल पहले चला जाता है। आगे शो में जो भसड़ है ना उसे तुम्हें किसी भी हाल में मिस नहीं करना चाहिए। इसका सीजन 2 भी जल्दी आने वाला है तो गलती से भी इस शो को मिस मत करना। 8.8 आईएमडीबी रेटिंग के साथ एकदम फ्रेशली न्यू लॉन्च 2022 में ही एक सीजन के साथ नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल, चेंसो मैन। अभी अभी लॉन्च हुआ ये शो बहुत ज्यादा हाइप में है एंड द हाइप इज रियल बिकॉज ये शो कमाल का है। चाहे बात हो इसके प्लॉट की या स्टोरी की या फिर बात करें इसके एनिमेशन या इसके एक्शन की, सारे के सारे चीजें एकदम टॉप नॉच की हैं। इस एनिमे के सारे कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा यूनिक है, लिटरली तुम्हें इसे देखकर मजा आने वाला है। ये शो बहुत ज्यादा यूनिक है, ऐसा क्यों है ये तुम्हें ये शो देखने के बाद ही पता चलने वाला है। मैंने इसके ऊपर एक वीडियो भी बना रखी है तो तुम उसे देख सकते हो। मेरे तरफ से ये शो 100% रिकमेंडेड है, नहीं देखा तो क्या कर रहे हो, जाओ देखो फटाफट। सो गाइज, ये रहे हमारे 10 कमाल के स्टार्टर एनिमेज। इनमें से तुम्हें जो सबसे पहले देखना चाहिए मेरे हिसाब से वो उसका नाम है डेथ नोट, क्योंकि ये बेस्ट स्टार्टर एनिमेज है। अब मुझे कमेंट में आकर जरूर बताना कि तुम्हें कैसा लगा ये सारे शोज। वेल, ये सारे शो नेटफ्लिक्स पर अवेलेबल हैं बट वहाँ ये सब में मिलेंगे, तो अगर तुम्हें डब में देखना है ये सारे शोज तो तुम्हें टेलीग्राम पे मिल सकते हैं या मैंने एक वीडियो बनाई है तुम उस वीडियो को चेकआउट कर सकते हो। सो गाइज, इन वीडियो को बनाने में बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, सो आई होप कि आप अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दाते बायो।